हाय देयर, अगर आपके पास कोई भी शाओमी या रेडमी का स्मार्ट टीवी है तो आप पैचवॉल के बारे में जरूर जानते ही होंगे और इसका जो एक्सपीरियंस है वो मैं बता दूं, किसी भी और टीवी में आपको नहीं मिलता। अब पैचवॉल में कुछ नए अपडेट्स आए हैं जिनके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इसका जो पैचवॉल वर्जन है नए वाले का वो है 4.1.0। ये अब तक सब शाओमी और रेडमी टीवीज में ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया होगा। जस्ट इन केस किसी कारण आपके डिवाइस पे ये अपडेट नहीं आया हो तो प्लीज चेक कीजिए कि आपका टीवी इंटरनेट से कनेक्टेड हो। तो शुरू करने से पहले, जो लोग मेरी वीडियो पहली बारी देख रहे हैं, मेरा नाम है टेक सिंह और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा हैंडल का नाम है मिस्टर टेक सिंह। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे इंस्टेंट दिखने वाला विजुअल चेंज है कॉम्पैक्ट टाइटल हेडर। इसका पहले जो हेडर था उसका फॉन्ट काफी बड़ा था, अब ये सेंटर में आ गया है जिससे ये और क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड लुक देता है। बहुत ही इजी हो जाता है अब इसे यूज करना। फिर पिछले पैचवॉल 4.0.2 उसके हेडर में एक डिस्कवरी का ऑप्शन था, ये ऑप्शन अभी पैचवॉल 4.1.0 से निकाल दिया गया है। हालांकि इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पूरा पैचवॉल ही कंटेंट डिस्कवर करने के लिए बनाया गया है। फिर पैचवॉल का नाम और लोगो भी आपको लेफ्ट साइड पर दिख जाएगा, ये प्रीवियस पैचवॉल वर्जन में नहीं था। फिर जो इनपुट का टैब है उसे सबसे आगे शिफ्ट कर दिया गया, पहले ये नेटफ्लिक्स के बाद आता था और ये बहुत लॉजिकल मूव है। फिर प्राइम वीडियोस के ऐप को भी नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार के सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया। प्राइम वीडियोस पिछले पैच वॉल में हॉटस्टार के बाद आता था। इससे आपके यूज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर सबसे कन्वीनियंट होता अगर हमें ऑप्शन दिया जाता इस ऐप शो को कस्टम सेट करने का। हालांकि इस ऑप्शन के मिलने की उम्मीद काफी कम है। अब जब से ये पैचवॉल का नया अपडेट आया, काफी लोगों ने मुझसे पूछा यूजर सेंटर कहाँ है। वेल, अगर आप ये ऐप रो देखेंगे तो इसमें मोर ऐप्स का ऑप्शन है, अगर आप उसके अंदर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा यूजर सेंटर। यहाँ पर आपको टैब्स मिल जाएंगे, नीचे आपको कुछ नए ऐप्स के टैब्स मिल जाएंगे, आपको मी होम ऐप इंटीग्रेशन इसी के अंदर मिल जाएगा। और जैसे ही आप मी होम ऐप के अंदर जाओगे आप शाओमी और रेडमी के सब डिवाइसेस डायरेक्टली अपने टीवी से कंट्रोल कर सकते हो, जैसे शाओमी का रोबोट, वाटर प्यूरिफायर, सिक्योरिटी कैमरा, स्मार्ट बल्ब, स्मार्ट फैन, ये सब चीजें डायरेक्टली आप टीवी से कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत ही कन्वीनियंट है। अब बात करते हैं पैचवॉल के सबसे बड़े अपग्रेड की, YouTube इंटीग्रेशन। अब इसके लिए आपको म्यूजिक के टैब में जाना पड़ेगा और यहाँ आप देखेंगे कि आपको YouTube का इंटीग्रेशन मिल जाता है। ये जो टाइल है YouTube का ट्रेंडिंग सॉन्ग है, नीचे आएंगे तो आपको न्यू रिलीजेस दिख जाएंगे, उसके नीचे आएंगे तो आपको टॉप 10 म्यूजिक दिख जाएगा और अगर आप ध्यान से देखें तो आपको YouTube का आइकॉन भी दिख जाता है हर टाइल के ऊपर, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये कंटेंट YouTube से है। फिर नीचे आएंगे तो इंडियाज हिट लिस्ट दिख जाएगा, ये सारी प्लेलिस्ट है, बहुत इजीली एक्सेसिबल है। तो सबसे बढ़िया बात जो मुझे लगी कि जब हम कोई कंटेंट प्ले करते हैं यहां से YouTube के सॉन्ग्स का, मैं म्यूट कर देता हूं ताकि कोई कॉपीराइट इशू ना हो, तो कोई भी एड नहीं आती। हम जैसे ही वहां से कंटेंट प्ले करते हैं, जैसे कि समझो मैं ये थर्ड सॉन्ग प्ले करता हूं, तो कोई भी एड नहीं आती, डायरेक्टली कंटेंट प्ले होना शुरू हो जाता है। ये देखिए, मैं एक और बारी प्ले कर देता हूं डायरेक्ट, जिसका मजा ये है कि अब एड फ्री आप यूट्यूब देख सकते हैं इस पे। और जो लोग सोच रहे हैं मैंने शायद यूट्यूब प्रीमियम लिया और सब्सक्राइब्ड हूं इसलिए एड नहीं आ रही, नहीं, इस टीवी पे YouTube मैंने साइन इन भी नहीं किया हुआ, तो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन की तो बात ही नहीं आती। तो सबसे बढ़िया चीज मुझे ये लगी कि अगर आप पैचवॉल यूज कर रहे हैं और अगर आप पैचवॉल से म्यूजिक और YouTube के गाने प्ले कर रहे हैं तो आप एड फ्री गाने सुन सकते हैं, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। अब ये अच्छा है कि हमें YouTube का इंटीग्रेशन मिला, बट आई थिंक यहाँ पर थोड़ा इंप्रूवमेंट का स्कोप है, मैं बताता हूँ कैसे। फिलहाल यहाँ पर सिर्फ YouTube हमको म्यूजिक के लिए मिलता है, लेकिन एक ऑप्शन हो सकता है टॉप टेक वीडियोस ऑन YouTube, एक हो सकता है टॉप कुकिंग वीडियोस ऑन YouTube, कितने सारे ऐसे अनगिनत ऑप्शन हैं। अगर YouTube इंटीग्रेशन है तो YouTube का पूरी तरह से फायदा मिलना चाहिए पैचवॉल को। होपफुली ये सब अपग्रेड्स हमें बहुत जल्दी मिलें, सो लेट्स सी ये कैसे आगे होता है। तो ये सब थे सारे चेंजेस नए पैचवॉल में। वैसे छोटे छोटे और भी बहुत से चेंजेस हैं जो मैं चाहूंगा आप ढूंढ के मुझे कमेंट्स में लिख के बताएं। बाय द वे, शाओमी ने नया 4K एक्स सीरीज टीवीज भी लॉन्च कर दिया है, जिसकी हमने काफी डिटेल्ड वीडियो बनाई है, इंग्लिश में भी और हिंदी में। मैं चाहूंगा कि आप जरूर उस वीडियो को देखें, मैं वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगा। उम्मीद है ये शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो आपको पसंद आई हो। कुछ भी फीडबैक हो प्लीज कमेंट्स में लिखिए, कुछ भी क्वेश्चंस हो कमेंट में लिखिए, मैं जरूर जवाब दूंगा। और सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और जरूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ऐसी और वीडियोस के लिए।
जल्दी मिलते हैं फॉर द नेक्स्ट वीडियो। चीयर्स।